कानपुर के बिटूर थाना क्षेत्र के मदना इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग को लेकर दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। पथराव में के देखते ही देखते दोनों की ओर से भीषण पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई छात्र भी घायल हो गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। सूचना पर कई थानों की फोर्स और पेशी बल मौके पर पहुंचे और उपरोधी को खदेड़ डाला। घायल छात्रों के पास से हॉस्टल में भर्ती कराया गया है। बिटूर थाना क्षेत्र के मदना इंजीनियरिंग कॉलेज में देर रात रैगिंग को लेकर दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों ओर से भारी पथराव हुआ था और कई लोग घायल हो गए। जानकारी पर पता चला कि मेडिकल के छात्रों ने दो दिन पहले प्रिया यादव नाम की छात्रा के साथ रैगिंग की थी। छात्रा ने घटना की जानकारी अपने बड़े भाई को दी थी, जिसके बाद छात्रा के भाई वहाँ पहुँचे और रैगिंग करने वाले लड़कों से बात की तो मेडिकल के छात्रों ने छात्रा और उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र आमने सामने आ गए और दोनों ओर से पथराव हो गया। पथराव से मेडिकल के एक छात्र की आंख में गहरी चोट लगी है, वहीं इंजीनियरिंग के करीब आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। इतना ही छात्रों ने जमकर हॉस्टल में भी पथराव किया। इस तोड़फोड़ के दौरान इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही SP वैश्य संजीव सुमन, क्षेत्र अधिकारी कल्याणपुर राजेश कुमार पांडे, करीब 20 थाने की फोर्स व 5 गाड़ी PSC मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। SP वेस्ट संजीव कुमार ने बताया कि कॉलेज में लगे CCTV कैमरे की फुटेज कब्जे में ले ली गई है। छात्रों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार ने बताया कि छात्रों का पुराना विवाद था, जिसको लेकर कल रात को छात्र आपस में भिड़ गए। एक जाँच कमेटी गठित की गई है, जो भी छात्र दोषी पाए जाएंगे उनको कॉलेज से निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उधर मेडिकल कॉलेज में भी कुछ नहीं लीजिए वर्धन, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह है ना उनका भी। सर यहाँ पर कल किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और कहाँ कहाँ पर होते? ये कल रात इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के हॉस्टलर्स के बीच खास तौर से रात में 10-11 बजे के बीच घटना पता लगी हम लोगों को, और इसमें थोड़ा तोड़फोड़ भी किया, शीशा वगैरह टूटा है। तो इसकी कारण तो नहीं पता लगा, लेकिन जांच के लिए हम लोगों ने अभी अभी एक समिति बना दी है सीनियर लोगों के, सीनियर टीचर से जी, और जांच के बाद पता लगेगा कि क्या है वास्तव में। कुछ छात्र घायल हुए हैं? हाँ, ऐसा पता लगा है कि मेडिकल का कोई छात्र घायल हुआ है। लगभग सब कितने छात्रों के जो घायल? ज़्यादा नहीं, एक के बारे में पता लगा है, और भी कुछ बात होगी तब पता लग जाएगा। क्या सर जो छात्र इसमें दोषी हैं, जिनके में झगड़ा हुआ जो दोषी, क्या उन पर कोई कार्रवाई? हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी, हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई पहले भी हो चुकी है नर्सिंग के केस में, हमने छात्रों को निकाला भी है, उनके ऊपर फाइन भी लगाया है, टेम्पररी सस्पेंशन भी हुए हैं, और इसमें भी निश्चितता की जाएगी, क्योंकि कोई भी आदमी कैंपस का माहौल नहीं खराब कर सकता। कि पढ़ने वाले लड़के यहाँ आते हैं और कोई 2-4 छात्रों को कैंपस का माहौल खराब करने ये इजाजत है। क्या सर यहाँ पे PSC तैनात की? जी, PSC आई है और पुलिस से भी सहयोग कर रही है, जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है और इसको जल्दी उनका कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे टीचर लोग भी समझा रहे हैं लड़कों को उसमें, और जांच समिति भी इस पर जांच करेगी। सर अभी की क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी ठीक है, कंट्रोल में है, सिचुएशन भी खराब नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका और क्या किस पद पर हैं आप यहाँ पर? हाँ, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सर क्या घटना हुई थी कल यहाँ पर, किस बात को लेकर? सही में दोनों गुटों में, इंजीनियरिंग के बच्चे और MBBS के बच्चों में पता नहीं किस बात पर कहा सुनी हुई, अभी तक मैनेजमेंट को भी नहीं पता है, और आपसे में मारपीट होने लगी और उसके बाद अभी जांच बैठी हुई है, किसी का पता नहीं किस तरीके से झगड़ा। क्या छात्रों ने तोड़फोड़ भी किया और पथराव भी हुआ? छात्रों ने पता नहीं किस तरफ के छात्रों ने तोड़फोड़ किया, पथराव भी हुआ था? हाँ, पथराव हुआ है, लेकिन मैंने नहीं देखा, वो ग्राउंड में जो पत्थर टूटे, शीशे टूटे, उससे पता चल रहा है कि पथराव भी हुआ। क्या सर कुछ छात्र घायल भी बताए जा रहे हैं यहाँ? हाँ, कुछ छात्रों के चोट। क्या इनकी यहाँ पे PAC तैनात कर दी गई? हाँ, में तब्दील कर दिया गया। हाँ, अभी यहाँ पर PAC जो है आ चुकी है, बाकी शांति है। क्या नाम है सर आपका? कैप्टन महेंद्र सिंह, एक्स कैप्टन। कानपुर से सुनील वर्मा की रिपोर्ट।